लॉकडाउन के दौरान भारत में फंसे नेपाली नागरिक और नेपाल में फंसे भारतीयों के आदान प्रदान की प्रक्रिया शुरू हो गई है, जिसके संबंध में एडीजी दवा शेरपा ने बताया कि लॉकडाउन के दौरान भारत में क्वारंटीन किए गए नेपाली नागरिकों को नेपाल में तथा नेपाल में क्वारंटीन भारतीयों को भारत में भेजा जा रहा है, जिसके तहत बहराइच से 1700 नेपाली नागरिकों को नेपाल के सुपुर्द किया गया है। इसी के साथ 2822 नागरिकों को नेपाल ने भारत को सुपुर्द किया है। इसी के साथ सुनौली बॉर्डर से भी नागरिकों का आदान प्रदान चल रहा है। एडीजी दवा शेरपा ने लोगों से अपील किया है कि लॉकडाउन के दौरान दुकानें खुलने के कारण भीड़ बढ़ गई है, इसलिए सतर्कता बरतें और अपने आप के साथ अन्य लोगों पर भी ध्यान दें, जिससे कोरोना जैसी वैश्विक महामारी से बचा जा सके। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से विशेष बात करते हुए एडीजी दवा शेरपा ने कहा, लॉकडाउन फोर भी चल रहा है, इसको लेकर कुछ नेपाल के नागरिक इंडिया में आए थे और क्वारंटाइन हुए थे, उनको कुछ छोड़ा गया, कुछ भारतीय भी वहाँ पे थे, क्या व्यवस्था है सर इसका? व्यापक संख्या में अभी एक दो दिन में पीछे एक दो दिन में व्यापक संख्या में हम लोगों ने जो नागरिक एक्सचेंज किया है बॉर्डर में, जो नेपाल के नागरिक थे जो इधर क्वारंटीन थे वो उनको नेपाल में सुपुर्द किया गया, और नेपाल में जो भारतीय नागरिक फंसे हुए थे कोविड के और वो क्वारंटीन थे उनको लिया गया। उदाहरण के तौर पर जैसे बहराइच में कल ही 2700 नेपाली नागरिक को नेपाल को सौंप दिया गया, और उसी तरह 2822 भारतीय नागरिक उस तरफ थे तो उनको इधर लिया के फिर मेडिकल परीक्षण के बाद उनके गंतव्य को भेज दिया गया है। सुनौली बॉर्डर में भी व्यापक स्तर पे लेन देन चल रहा है, रोज़ करीब 400-500 के संख्या से अधिक के संख्या में लोग पहुंच रहे हैं। ये जो गोरखपुर में ट्रेन और अन्य सुविधा जो सरकार ने दी है उसी में नेपाली नागरिक भी व्यापक संख्या में चले आ रहे हैं, और यहाँ से बस से सुनौली बॉर्डर और वहाँ जो भी प्रक्रिया पूरा करने के बाद नेपाल सरकार नेपाल के अधिकारियों को सुपुर्द किया जाता है। उसी तरह नेपाल में भी विभिन्न जगहों पर कारोबार धंधा इत्यादि करते हुए वहीं फंस गए थे, वो भी धीरे धीरे करके अब महाराजगंज बॉर्डर या रुपेडिया बॉर्डर पहुंच रहे हैं, तो वहां से हम उनको वापस ले रहे हैं। इस तरह लॉकडाउन फोर है और तमाम रोस्टर के हिसाब से दुकानें भी खुल रही हैं जनपदों में, उसको लेकर के भीड़ भी बढ़ी है, आवाजाही भी बढ़ी है, तो उसके लिए क्या है? देखिए अब जो बिजनेस व्यापार है, कारोबार है, दैनिक दिनचर्या है, ये भी साथ अब चलना ही है, इसीलिए अब तमाम तरह के दुकानें खोल दी गई हैं और आवागमन के भी काफ़ी व्यवस्थाएं कर दी गई। लेकिन अब इसमें ध्यान देने वाली बात है कि इसमें नागरिकों की बहुत बड़ी भूमिका है और जिम्मेदारी है। हर जगह पुलिस या प्रशासन पहुंच के रोक टोक संभव भी नहीं है और उचित भी नहीं है, तो ऐसे स्थिति में जब एक हम इस दौर से गुजरे हैं, इतने सबसे कठिन दौर से गुजर चुके हैं, तो अब आने वाले दिनों में जो दुकान सामाजिक रूप से जो हमारे व्यवहार है स्पेशली दुकानों में बाज़ारों में इत्यादि स्थानों में, वो बहुत ही जिम्मेदारी पूर्ण रहना चाहिए। हमें खुद ही सजग रहना चाहिए, खुद ही सतर्क रहना चाहिए और दूसरों को भी मदद तो करें, तो उससे पहले अपना भी ख्याल रखें कि कहीं भी ये कोरोना के फैलाव के लिए आप कारण न बने और अव्यवस्था का कारक न बने। मैं सभी लोगों को इसलिए अपील करता हूँ।